दोस्तों, लकड़बग्घे यानी कि हायना बहुत चतुर होते हैं ये, लेकिन उन्हें अपने काम से काम ना रखने की आदत होती है। उनका स्वागत है या नहीं या उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता, उन्हें बस दूसरों की पार्टियां पसंद हैं। हालांकि कभी कभी वे गलत जानवरों से पंगा ले लेते हैं और उन्हें अपनी ही दवा का एक टुकड़ा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप लकड़बग्घों को मुंह की चोट खाते देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे क्या हुआ जब लकड़बग्घों ने गलत जानवरों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। चाहे वो बब्बर शेर हो या जंगली कुत्ते या फिर हाथी, उन्हें कभी कभी मुंह की खानी पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ते। दोस्तों, जंगली कुत्ते काफी माहिर, चतुर और खूंखार शिकारी हैं। हाइना की ही तरह ये बड़े बड़े परिवारों में झुंड बनाकर रहते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं। हर एक झुंड में करीब 30 से 40 कुत्ते होते हैं और भेड़ियों की तरह इनमें भी अल्फा मेल और फीमेल होते हैं। खाने और पानी की कमी की वजह से हाइना और जंगली कुत्तों के बीच लड़ाइयां चलती रहती हैं अपने अपने इलाकों की रक्षा करने के लिए। जब भी इन दोनों के ग्रुप्स आमने सामने आते हैं, कोई नहीं चाहता कि बड़ी लड़ाई हो, इसलिए वो दोनों पहले बहस करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके झुंड में पार्टिसिपेंट्स की संख्या कम हो तो कोई खतरा मोल लेना समझदारी नहीं, बेवकूफी है, और वही किया भी इन दोनों हाइनाज ने। उन्हें पता नहीं था पीछे पूरा कुत्तों का झुंड है। ये दोनों अपने आप को शक्तिशाली दिखा रहे थे, अब जंगली कुत्तों के बीच फंस चुके हैं। एक दो बार कुत्ते वार्निंग देते हैं, लेकिन आज हाइना मार खाए बगैर जाने वाले नहीं है। इसलिए देखिए कैसे कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया और हाइना की हालत काफी नाजुक हो चुकी है। इन दोनों का बचना भी मुश्किल है। यहाँ पर कुत्ते अपने इलाके की हिफाजत कर रहे थे, कोई शिकार नहीं। नंबर 4, मदर बफेलो। दोस्तों, शेरों के झुंड को भी क्या भैंसे से मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण लगता है, तो कल्पना कीजिए कि जब लकड़बग्घों का झुंड उस विशाल जानवर से मुकाबला करने की कोशिश करता है तो क्या होता है। भैंस शेरों को मार सकती हैं और जब एक टीम के रूप में काम करने का फैसला करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब लकड़बग्घे ने मादा भैंस को घेर लिया। अब माँ तो माँ ही होती है, वो कभी भी अपने बच्चों को खतरे में छोड़कर नहीं भागती। वहीं आप इस वीडियो में देख भी पाएंगे कि कैसे एक मदर बफेलो ने हाइना को बताया कि सबसे बड़ा योद्धा तो माँ ही होती है। भले ही हाइना बड़े और चालाक शिकारी हो, लेकिन मादा भैंस के पास उनकी चलने नहीं वाली है। अब वैसे तो जब हाइना का ग्रुप होता है तो शेर भी उनसे पंगा नहीं लेते, लेकिन उनके झुंड से मादा भैंसा डरने वाली नहीं है, क्योंकि उसे अपने बछड़े की रक्षा करनी है, उसकी जान बचानी है। इस माँ ने हाल ही में अपने बछड़े को जन्म दिया है और जंगल में नवजात बच्चों की जान को 24 घंटे खतरा रहता है। हर कोई शिकारी इसे अपना आसान शिकार बनाना चाहता है। देखिए कैसे इस मौके का फायदा उठाने के लिए हाइना के इस झुंड ने माँ और बच्चे को अकेला पाते ही उन्हें घेर लिया। वो बच्चे का शिकार करना चाहते थे, लेकिन एक सुपर हीरो की तरह माँ भैंसा ने पूरी ताकत से अपने बच्चे की रक्षा की और उसके नजदीक एक भी हाइना को जाने नहीं दे रही। सबको अच्छा सबक मिला है, कई लकड़बग्घों को चोट भी लगी है, लेकिन मादा भैंसा डटी रही जब तक उसका पूरा भैंसों का झुंड नहीं आया। इस माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना बछड़े को बचाया है। नंबर 3, बब्बर शेर। दोस्तों, वैसे तो बब्बर शेर और लकड़बग्घों की लड़ाइयां 37,000 सालों से चलती आ रही हैं। दोनों ही जानवर सामाजिक हैं और परिवार में रहना पसंद करते हैं और शिकार को भी मिल बांट कर खाते हैं। एक जंगल का राजा है तो दूसरा जंगल का डाकू। शेर और लकड़बग्घे दोनों की दुश्मनी काफी गहरी है, मानो जानी दुश्मन हो। लकड़बग्घे ज्यादातर दूसरों के किए शिकार में से कुछ टुकड़ा चुराने में या पूरा शिकार ही मार ले जाने की कोशिशों में पड़े रहते हैं और शेर अपना शिकार खुद करते हैं। लकड़बग्घों को तो सिर्फ दूसरों की पार्टी को डिस्टर्ब करने में मजा आता है। अफ्रीका के सवाना के जंगलों में दोनों जंगली शिकारी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन उन्हें कभी शेर के बड़े ग्रुप से पंगा नहीं लेना चाहिए। पर आप इस वीडियो में देखिए, हाइनाज यही कह रहे हैं कि शेरों की पार्टी में हम टांग अड़ाएंगे।
शेर उनका अच्छे से वार्म वेलकम करने के मूड में है और उन्हें ये भी पता नहीं कि दूसरी साइड से शेरनी भी उनका स्वागत करने आ रही है। आते ही शेरनी ने एक पंजा मारा, पर लकड़बग्घे के लिए वो काफी नहीं, वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक मुंह की ना खा लें। पीछे से एक और शेर आता है और हमला करता है। शेर को लकड़बग्घों से घिन आती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हाइना छोटा है या बड़ा, वो बड़ी क्रूरता से उसे मार डालते हैं। इसी वजह से वो शेरों के सामने बड़े ग्रुप में ही जाते हैं ताकि अगर किसी पर जान की बनाए तो दूसरा उसे बचा ले। ये पक्के जंगल के टाकू हैं। लेकिन यहाँ पर दो गुस्सैल शेरों के बीच एक छोटा हाइना फंस गया है, अपने झुंड से बिछड़ चुका है। शेरों ने दबे पांव उसका पीछा करना शुरू किया। धीरे धीरे हाइना समझ जाता है कि आज शामत आ गई है और वो भागता है। थोड़े दूर जाने के बाद शेरों ने उसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन शेर भूलते नहीं। हाइना बेचारा काफी मेहनत के बाद अपने झुंड में वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही रात हुई इस शेर ने उस हाइना को ढूंढ निकाला और हमला बोल दिया। वो अपना बचाव तो करता है, लेकिन शेर सिर्फ ताकतवर नहीं है। इस मुठभेड़ में उसकी रीढ़ टूट जाती है और अब उसके बचने के आसार काफी कम है। शेर शिकार नहीं करना चाहता था, बस उसे उसके लिए सजा देना चाहता था और दे दी। नंबर 2, पायथन। दोस्तों, इसे हरगिज ही अच्छा आइडिया नहीं कहेंगे कि आप जंगल के डाकू कहलाते हो और पायथन आपसे डरने लगेगा। एक पायथन किसी हिरन और बकरे को आराम से उसकी मुंडी मरोड़कर उसकी सांसें रोक सकता है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं क्या होता है जब हाइना उस बड़े अजगर को मारने और उसका शिकार करने का विचार करे। दोस्तों, दोनों ही पावर्स को कंपेयर करें तो हाइना अकेले भी काफी हिम्मती और खूंखार साबित होता है और झुंड में वो बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर सकता है, लेकिन अन्य शिकारी जानवर से भी ये लड़ लेते हैं। लेकिन पाइथन भी कोई कम नहीं है, ये अकेला ही किसी हाइना को मारने के लिए काफी है। लेकिन अगर कभी झुंड के सामने एक पाइथन दिख जाए तो उसके बचने का आसार काफी कम है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो अलग है, कुछ खास है। इसमें हाइना के एक ग्रुप ने गलत पाइथन को लटकार दिया। इस पाइथन से बड़ी लड़ाई के बाद इस हाइना ने दम तोड़ दिया है और इस पाइथन ने इसे निगलना भी शुरू कर दिया है। आज इस हाइना की किस्मत उसके साथ नहीं थी जो उसने इस गुस्सैल पाइथन को चुनौती दे दी। इसका जबड़ा जितना बड़ा शिकार निकलना हो उतना बड़ा खुल सकता है। नंबर 1, एलिफेंट। दोस्तों, आज के जमाने में हाथी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। उसे मारना शेरों के झुंड के लिए भी नामुमकिन है। अगर कभी कोई हाथी घायल हो, बीमार हो या छोटा हो तो ही उसके शिकार हो जाने के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइना एक बड़े और दुरुस्त हाथी से पंगा ले रहे हैं। वैसे तो हाइना अपने झुंड में 100 से 130 तक हो सकते हैं, लेकिन हाथी पर हमला करना कोई समझदारी नहीं है। ये भले ही जंगल के सबसे बड़े पायरेट्स हों, लेकिन हाथी को डराना और उसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करना तो बेवकूफी है। ज्यादातर तो हाइना कभी ऐसा करते नहीं, या तो शिकार चुराते हैं या छोटा शिकार करते हैं, लेकिन आज उनका मार खाने का दिल कर रहा होगा। देखिए कैसे ये हाथी उनको छोटी चींटी की तरह अपने रास्ते से हटा रहा है। लगता है जैसे हाइना को पता है वो हाथी का शिकार नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ इस हाथी से खेलना था, लेकिन अब खेल भारी पड़ चुका है। हाथी ने उनको अच्छा सबक सिखाया है और हाइना अपने पैरों तले दम दबाकर भाग रहे हैं। दोस्तों, इन पांचों में से आपको वीडियो का सबसे फेवरेट हिस्सा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर वाइल्ड लाइफ पर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।